सब्सक्राइब कीजिए डीके वेबटेक चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम डीके वेबटेक। आज हम सीखेंगे शॉर्ट की कि एक्सेल पे हम शॉर्ट की का कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस वर्क के लिए कौन से शॉर्ट की हम यूज़ करते हैं। सो देखते हैं। देखिए, जब हमें कोई भी फाइल ओपन करनी होगी तब हम कंट्रोल ओ करेंगे, जब हमें न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करनी होगी तब हम कंट्रोल एन करेंगे, जब डुप्लीकेट स्लाइड हमें रेडी करनी होगी तब उसके लिए हम कंट्रोल डी का यूज़ करेंगे, जब हमें न्यू स्लाइड रेडी करनी होगी हम कंट्रोल एम करेंगे, हमें अपनी प्रेजेंटेशन को रन कराना होगा हम F5 करेंगे, क्लोज प्रेजेंटेशन करना होगा जब तो हम कंट्रोल W करेंगे, और जब एग्जिट पावर पॉइंट करना होगा तो ऑल्ट प्लस F4 करेंगे, और जब हमें स्लाइड शो को बंद करना होगा तो हम एस्केप की का यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें जैसे अपनी फाइल ओपन करनी है हम कंट्रोल ओ करते हैं। देखिए, जो भी हमारी फाइलें सेव हैं वो सब यहाँ पे हमें शो कर रहा है, जो भी हम ओपन करना चाहें हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल एन, हम कंट्रोल एन करते हैं। अब देखिए, हमारी दूसरी प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन है जिस पे हम वर्क कर रहे थे, और ये न्यू प्रेजेंटेशन हमारी ब्लैंक ओपन हो गई है, हम चाहें तो इस पे वर्क कर सकते हैं। हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें डुप्लीकेट रेडी करनी है, मान लीजिए थैंक यू जो हमारी ये स्लाइड है हम चाहते हैं दोबारा हमें इसे रेडी ना करना पड़े, ये हमारी इसी की डुप्लीकेट रेडी हो जाए, हम कंट्रोल डी कर सकते हैं। हमने इसे सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी हमने किया। अब देखिए, हमारी एक ये थैंक यू की स्लाइड रेडी हो गई और ये हमारी स्लाइड रेडी हो गई, ये थर्ड भी हमारी वही है, फोर्थ भी हमारी वही है, ये हमने डुप्लीकेट रेडी किया है। आप चाहें तो इस पर क्लिक करें और ये देखिए डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है आप राइट क्लिक करिए माउस से और ये डिलीट कर दीजिए, आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। जब हमें न्यू स्लाइड ओपन करनी होगी तब हम कंट्रोल के साथ एम प्रेस करेंगे, जब हमें अपनी प्रेजेंटेशन को रन कराना होगा हम F5 जो हमारे कीबोर्ड में की है हम उसे प्रेस करेंगे। जैसे हमने F5 प्रेस किया, ये देखिए हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई, हम जैसे जैसे क्लिक करेंगे हमारी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ती जाएगी। जब हमें अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना होगा तब हम कंट्रोल W यूज़ करेंगे। अभी हमारी दो प्रेजेंटेशन ओपन है, हम इस पे आते हैं, हमें जैसे इसको क्लोज़ करना है हम कंट्रोल के साथ W प्रेस करते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन क्लोज़ हो गई। अब देखिए, यहाँ से हमारी केवल यही प्रेजेंटेशन ओपन है, दूसरी वाली क्लोज़ हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा एग्जिट पावर पॉइंट। अगर हमें पावर पॉइंट क्लोज़ करना है तो हम ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे, जैसे कि हम एक नई प्रेजेंटेशन पहले कंट्रोल एन से ओपन करते हैं, दो प्रेजेंटेशन हमारी हो गई हैं। अब पावर पॉइंट से बाहर आने के लिए ऑल्ट F4 हम यूज़ करते हैं, हम इस पे आए और ऑल्ट के साथ F4 हम प्रेस करेंगे, ये देखिए हमारी प्रेजेंटेशन क्लोज़ हो गई। अब एक जगह हमारा MS पावर पॉइंट बंद हो चुका है, अब हमारी केवल एक ही प्रेजेंटेशन ओपन है, अगर हम फिर से करेंगे तो हमारा पावर पॉइंट बिल्कुल क्लोज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोज स्लाइड शो। अब जैसे मान लीजिए आपने F5 करके स्लाइड शो स्टार्ट कर दिया है, आपने केवल दो स्लाइड देखी है, अब आप इससे बाहर आना चाहते हैं, आगे की जो स्लाइड है उन्हें नहीं देखना चाहते हैं, तो आप एस्केप की प्रेस करिए, आप वहीं से बाहर आ जाएंगे और आपका जो स्लाइड प्रेजेंटेशन था वो क्लोज़ हो जाएगा, उसके लिए हमने एस्केप की का यूज़ किया है। ये थी हमारी कुछ पावर पॉइंट की शॉर्ट की, जिनका यूज़ करके हम कीबोर्ड के थ्रू अपना वर्क ईजिली कर सकते हैं कि हमें माउस यूज़ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।